वीडियो केवल बच्चों और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए बनाया गया है। उपयोग किए गए और दर्शाए गए सभी पात्र केवल प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व हैं, और यह किसी भी तरह से किसी की धार्मिक मान्यताओं और भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं रखता है। ड्रामा किड्स ने उपलब्ध निकटतम तथ्यों और कहानी के लिए सर्वोत्तम से जुड़े रहने की कोशिश की है। कोई भूल चूक हो तो हमें माफ करे। नवरात्रि के 9वें दिन देवी शक्ति को देवी सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। आइए देखते हैं देवी सिद्धिदात्री के रूप के पीछे की कहानी। ये उस समय की बात है जब दुनिया में अंधेरे अंतरिक्ष में ऊर्जा के अलावा कुछ भी मौजूद नहीं था। तब कुष्मांडा नाम एक देवी ने अपनी मुस्कान की चमक से ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति भी बनाई थी। ब्रह्मा ने सर्जन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया, विष्णु ने जीवन आधार की और शिव ने विनाश की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व किया। ब्रह्मांड के बनने के बाद देवी कुष्मांडा ने त्रिदेव से आग्रह किया कि वे मनन करें और विश्व में अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझें। देवी कुष्मांडा की बात मानकर त्रिदेव ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। देवी कुष्मांडा प्रसन्न होकर त्रिदेव के पास पहुंची और उनको 8 प्रकार की प्राथमिक और 10 प्रकार की माध्यमिक सिद्धियां प्रदान करी। देवी कुष्मांडा का सिद्धि प्रदान करने वाला ये अवतार देवी सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है सिद्धियों को देने वाला। इसके बाद ब्रह्मांड और विश्व को पूरा करने का उत्तरदायित्व देवी ने ब्रह्मदेव को सौंपा, लेकिन ब्रह्मदेव ने इस कार्य को चुनौतीपूर्ण पाया, क्योंकि उन्हें भावी पीढ़ियों का निर्माण करने के लिए पुरुष और नारी दोनों की आवश्यकता थी। उन्होंने सिद्धिदात्री की अर्चना फिर से की और मदद करने के लिए आग्रह किया। देवी सिद्धिदात्री ने इस बात की गहराई को समझी और एक उपाय निकाला और भगवान शिव के आधे शरीर को एक नारी के शरीर में बदल दिया। शिव का ये रूप जो आधा पुरुष और आधा नारी का है, वो अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। अर्ध का अर्थ है आधा, नारी का अर्थ है स्त्री और ईश्वर का अर्थ है देव। अब जब पुरुष और नारी दोनों ही शिव के शरीर में मौजूद थे, तब ब्रह्मा ने प्राणियों को बनाने में सक्षम हो गए। इस प्रकार वो देवी सिद्धिदात्री ही थी जिन्होंने त्रिदेव को सिद्धियां प्रदान और ब्रह्मा को सृष्टि की रचना कार्य में सहायता की। नवरात्रि के 9वें और अंतिम दिन देवी शक्ति को देवी सिद्धिदात्री के रूप में पूजा जाता है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। धन्यवाद। हेलो व्यूअर्स, आई होप यू हैव वॉच्ड ऑल द 9 वीडियोस रिलेटेड टू द नवरात्रि फेस्टिवल। दिस वॉज अ सिंपल ट्रायल बाय ड्रामा किड्स प्री स्कूल टीम so that we can make understand the children the importance of all the Indian festivals as well as the importance of 9 days of Navratri. We request you to please subscribe to our YouTube channel for more updates and educational videos.